For effective, uh, effectiveness of organizations, it is extremely important that organizations must have a very robust system of performance appraisal. Uh, the theory of performance appraisal states that organizations which have a good system of performance appraisal, who do 360 uh, degree performance appraisal, they are effective organization. How does the government in Pakistan? Do performance appraisal for its human resource It is one of the weak areas of the government uh, and we see that since it's a weak area the effects and outcomes of this weak weakness of the system are reflected in its service delivery. A performance appraisal ke forms hain, jo different grades ke liye available or you forms is link per module जो कि स्टैब्लिशमेंट डिविज़न का है और इसके आप इसमें जाएँ तो आपको परफॉर्मेंस अप्रेज़ल फॉर्म्स डिफरेंट ग्रेड्स के जो हैं वो मिल जाते हैं आम तौर पर ये परफॉर्मेंस अप्रेज़ल फॉर्म्स जो हैं ये ग्रेड अपटिल uh, जो बड़ा स्ट्रक्चर्ड है वो तमाम लेवल्स के लिए है लेकिन जो फॉर्म इस्टेबलिशमेंट डिविज़न ने अपनी अटोनमस बॉडीज़ में उसके इस्तेमाल होते हैं या डिपार्टमेंट्स में होते हैं वो इस लिंक पर मौजूद हैं ग्रेड फॉर्म्स फॉर बी एस एटी एंड ट्वेंटी जो हैं वो एक लाइट ग्रीन सा कलर है उसमें uh, उसमें uh, मौजूद होते हैं जस्ट टू क्रिएट अ डिस्टिंगशन और uh, ये हर साल जो है रिपोर्ट परफॉर्मेंस इट इज़ कॉल्ड पी ई आर परफॉर्मेंस एवेलुएशन रिपोर्ट अब ये एनबुल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट नहीं कहलाती अब ये परफॉर्मेंस एवेल्यूशन रिपोर्ट जो है इसका इसका नाम यानी पी ई आर जो है ये एक एनुअल एक्सरसाइज है जो कि जनवरी में लिखना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द रूल इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पर्सन जिसके बारे में ये रिपोर्ट लिखी जा रही है यह उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो फॉर्म को डाउनलोड करे इस्टबलिशमेंट डिवीजन की वेबसाइट पे और उसके जो असेंशियल जो फर्स्ट टू पेजेस हैं उनको वो खुद उसने फिल आउट करना होता है यानी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो एम्प्लॉ ने ख़ुद लिखनी होती है उसके फर्स्ट पेज में अपना नाम वगैरह और उसके बाद उसने अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को यानी उसके सुपरवाइज़र है उसको देनी होती है और ये इम्प्लॉ की जिम्मेदारी है यानी आप जूनियर्स की हर एक की अपनी ज़िम्मेदारी है कि वो ख़ुद अपनी रिपोर्ट को फॉरवर्ड करें जनवरी में टू दे सीनियर्स आ, जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट लिखना की जो इंस्ट्रक्शनज़ हैं वो इस लिंक पर मौजूद हैं और ये बड़ी अबाउट हंड्रेड एंड थर्टी फाइव प्लस पेजेस की डॉक्यूमेंट uh, है जिसपे लिखा है कि परफॉर्मेंस एवेल्यूशन रिपोर्ट जो है वो किस तरह से लिखी जाएगी और बड़ा क्लियरली जो रिपोर्टिंग ऑफिसर्स हैं यानी जिन्होंने रिपोर्ट लिखनी है उनके उनके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर वो किसी को एडवर्स रिमार्क्स देते हैं और तो वो बड़ा क्लियरली वाज़ा करके लिखेंगे इसी तरह से काउंटर साइनिंग ऑफिसर्स यानी उनसे जो सीनियर है अगर वो ये समझता है या समझती है कि जो रिमार्क्स रिपोर्टिंग ऑफिसर ने लिखे हैं वो रिमार्क्स से वो एग्री नहीं करते तो उनको रेड पेंसिल uh, से ये इंडिकेट करना होगा कि वाई डू दे डू दे वाई दैट पर्सन डजेंट एग्री विद द रिपोर्टिंग ऑफिसर तो बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शनस मौजूद हैं एडवर्स एडवर्स रिमार्क्स के बारे में भी और अच्छी uh, जो चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें हैं उनके बारे में भी एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट यानी ये एक बड़ा कंसल्टेटिव प्रोसेस होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का लेकिन इसमें जो चीज़ कमज़ोरी है वो ये है कि ना काउंसलिंग की जाती है जिनको रिपोर्ट किया जाता है ना उनसे कंसल्टेशन होती है ये एक एनअल रिचुअल है जो ये ऑर्गेनाइजेस uh, जो हैं इस तरह से कुछ होता है मार्क्स होते हैं अगर आप आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट किसी को देते हैं तो उसके दस नंबर होते हैं अगर वेरी गुड किसी को मिलते हैं तो उसके आठ नंबर होते हैं इसी तरह से गुड के सात नंबर और एवरेज के पाँच और बिलो एवरेज के एक और इफ़ समबडी गेट्स ए पुअर रिपोर्ट उसके ज़ीरो नंबर होते हैं सो so, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं और दी दीवी दी हैं आ, उस गाइड जो परफॉर्मेंस एवेल्यूशन रिपोर्ट राइटिंग गाइड जिसका लिंक दिया है उसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं uh, जो वीकनेस हैं नो एग्रीमेंट बिटवीन रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड एम्प्लॉज़ ऑन गोल्स एंड टारगेट्स टू भी अचीव कभी भी साल के पहले में गवर्नमेंट में आप किसी भी अदारे में चले जाएं कोई एग्रीमेंट नहीं होती कंसल्टेशन नहीं होती कि ये साल शुरू हुआ है अब हमने इस साल में ये चीज़ें करनी हैं इनको इस तरह से अचीव करना है और टारगेट्स जो हैं वो एम्प्लॉज़ को दिए जाएँ इट्स अ काइंड ऑफ ए रूटीन वर्क दैट एवरीबडी इज़ ऑन द ट्रेडमिल एंड दे आर जस्ट मूविंग सो देर इज़ नो कलेक्टिव सिटिंग डाउन एंड फॉर्मुलेटिंग सो मेनली ये एक सब्जेक्टिव एक्सरसाइज है यानी जो जिसने जिस तरह से uh, करना है कोई ऐसे इंडिकेटर्स नहीं दिए हुए जिनको मेजर किया जाए दो जॉब डिस्क्रिप्शन ज़्यादे जॉब डिस्क्रिप्शन मौजूद हैं लेकिन कोई इनकी तरफ़ देखता नहीं है और ना ही ये जब परफॉर्मेंस एवेल्यूशन रिपोर्ट लिखी जाती है ना इसकी तरफ कोई तोज्जो देता है और ना ही इनको अपडेट किया जाता है इसका जो uh, जो आम तौर पर ये रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं ये ट्रेट बेस्ड होती हैं बिहेवियर बेस्ड नहीं होती यानी बिहेवियर को मेजर करना ये डिटरमिन करने के कोई इंडिकेटर्स जो हैं वो नहीं दिए जाते सो so, ट्रेड्स को देखा जाता है पूछा जाता है कि नॉलेज आज फॉर नॉलेज बट नॉट इन एटीट्यूड एटीट्यूड के बारे में कोई तोज्जो नहीं है जो कि बहुत अहम चीज़ है काम करने के लिए स्ट्रेंथ्स uh, और वीकनेसेस के बारे में पूछा जाता है लेकिन लिखा सिर्फ स्ट्रेंथ्स के बारे में जाता है वीकनेस के बारे में बहुत कम लिखा जाता है इसी तरह देर इज़ नो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू ट्रेन ऑफिसर्स दैट हाउ दे शुड राइट रिपोर्ट कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि वो गाइडलाइन तो मौजूद है लोगों को बाकायदा उस पर ट्रेनिंग दी जाए मे बी वन और टू डेज टू टॉक हाउ दे शुड राइट अ रिपोर्ट सो वॉट हैपन्स इज जो आउटकम है इस तमाम तमाम चीज़ का वो ये है कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन बॉस एंड द जूनियर दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन द वर्क इट इट सेल्फ

आउटस्टैंडिंग और वेरी गुड रिपोर्ट मिलती है और इसमें यह नहीं देखा जाता कि वो जिसको गुड और वेरी गुड रिपोर्ट मिली है उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी थी